know the true value of time. Snatch, seize and enjoy every moment of it. No idleness, no laziness, no procrastination. Never put off till tomorrow what you can do today. सो हाय एवरीवन, मैं भाग्यश्री आप लोग को स्वागत करती हूँ और एक एक्साइटिंग सा ब्लॉग पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस मिश्रा। सो हाय गाइस, मैं हूँ अभी भुवनेश्वर में एंड अभी मैं एक बहुत ही अच्छा जगह जा रही हूँ लंच करने के लिए। एक्चुअली वहाँ पे ओनली टेक अवे का ऑप्शन है, लेकिन आई वाज इनवाइटेड इसीलिए मैं वहाँ पे जाके बैठ के आराम से लंच करूँगी और आप लोग को भी मैं दिखाऊँगी मैं लंच में आज क्या क्या खाने वाली हूँ। सो अभी हम जा रहे हैं ऑन द वे। सो हियर इट इज़ ओडिया किचन। ये है वहाँ का मेन्यू। सो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं चाइनीज से लेकर इंडियन तक और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है ये आप लोग को। आप लोग मतलब स्विगी, जो लोग भुवनेश्वर में रहते हो आप लोग स्विगी जोमेटो में भी इसको ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे दूँगी, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। देखिए कितने अफोर्डेबल प्राइस में सारा कुछ है। अभी तो ये खा के पता चलेगा कि टेस्ट कैसा होता है यहाँ का। और ये है यहाँ का एड्रेस, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। आप लोग जो ऑर्डर करना चाहते हो आप सीधा कॉन्टैक्ट करके भी ऑर्डर कर सकते हो और स्विगी जोमेटो से भी कर सकते हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग वी हैव गॉट। ये है चिली पटैटो जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है, गार्निशिंग भी बहुत ही सुंदर है। अभी खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। दिस इज़ टू यम एक्चुअली एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये मेरा आज का फेवरेट डिश था। ये क्रिस्पी फ्राइड बेबी कॉर्न, बहुत ही टेस्टी बना था। एंड द थर्ड वन इज़ मशरूम चिली। देखिए कितना सुंदर तरीके से वहाँ पर लिखा भी गया है ओडिया किचन करके। दिस लुक्स सो गुड। सो आफ्टर ऑल दिस चाइनीज़ खाना, अभी हम लोग सिंपल रोटी दालमा भात और साग खाने वाले हैं। उसके साथ यहाँ पे हम लोग को बटर पनीर भी दिया गया जो कि दिखने में इतना टेस्टी है गाइस, ट्रस्ट मी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और एंड में मीठा दही। यहाँ का लोकेशन इज़ वेरी लाइक बहुत ही अच्छा लोकेशन है, नवीन निवास आप लोग को पता होगा उसके एकदम पीछे वाले गली में इसका लोकेशन है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को मैं मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ ऑर्डर कर सकते हो। स्विगी जोमेटो तो है ही। तो इतना यमी सा लंच होने के बाद तो अभी हम जाएंगे पूरी के लिए हम निकलने वाले हैं। तो गाइज लेट द जर्नी बिगिन।
हैज़ बीन वेरी टायरिंग फॉर मी बिकॉज मैं भुवनेश्वर में लंच की, आप लोगों ने देखा बहुत ही टेस्टी लंच था। उसके बाद पोस्ट लंच हम पूरी आए, देन पूरी आने के बाद आप लोगों ने मेरा रूम भी देखा। उसके बाद वी हैड अ वेरी लिल मोमेंट इन पूल एज वेल, बिकॉज पूल जब तक हम पहुँचते तब तक पूल क्लोज होने का टाइम हो गया था। सो वील हैव अ ब्लास्ट टुमोरो। तो द डे 2 इज़ गोना बी रॉकिंग गाइस, सो स्टे ट्यून्ड।